केमिकल फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड। सबसे पहले हमें क्या जो एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमें उनके सिंबल आने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट आज फर्स्ट एन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, जो हमारा सीरियल नंबर है, यहाँ पे हमारा एलिमेंट है और उसका सिंबल। ये चीज आपको याद करनी है, इस तरह से हम वीक डेज याद करते हैं, हाउ मेनी डेज इन अ मंथ याद करते हैं, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर याद करते हैं, वैसे ही आपने एलिमेंट्स और उनका सिंबल याद करना। तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा होता है दैट इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल जो एच है। सेकेंड एलिमेंट जो है हमारे पास दैट इज द हीलियम, उसका सिंबल एच ही है। देन वी आर हैविंग थर्ड एलिमेंट लिथियम, और लिथियम का सिंबल एल आई है। अगर आप देखें तो हम इन्हीं एलिमेंट में से फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लेटर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल, और दोनों जो है आपने रनिंग हैंड में नहीं लिखने हैं, कसिव नहीं लिखना है, आपने उसमें गैप डाल के लिखना है। ठीक है, देन फोर्थ एलिमेंट जो है दैट इज बेरिलियम, और इसमें भी जो फर्स्ट टू लेटर है वो हम बी और ई, हमने उसे एक साथ जोड़ के नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। देन फिफ्थ जो एलिमेंट है दैट इज दी बोरोन, और उसके लिए भी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहे हैं। देन सिक्स्थ एलिमेंट जो है दैट इज दी कार्बन, और कार्बन के लिए सी। देन सेवेंथ एलिमेंट वी आर हैविंग नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के लिए एन। देन एट्थ एलिमेंट वी आर हैविंग ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए सिंबल ओ। एंड फॉर नाइन जो है दैट इज अ फ्लावरीन, और फ्लावरीन के लिए जो हमारा सिंबल है दैट इज एफ। और देन वी आर हैविंग नियोन दैट इज एन ई। सो दीज आर दी सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल है, उसमें 118 एलिमेंट्स गिवन है, और फर्स्ट टू जो 10 एलिमेंट्स हैं उनके ये सीरीज है, जिस तरह से वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग रोल नंबर्स टू स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इसी तरह से हमने इन्हें सीक्वेंस दी हुई है। दे आर हैविंग, आप सभी को इनकी सीक्वेंस पे रख लेते हैं, दे आर हैविंग नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसा है, इनकी नंबरिंग की गई है, और फर्स्ट 10 एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं, उनकी नेम लिख दिए हैं, उनका सिंबल लिख दिया है। तो लेट्स सी हाउ टू राइट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो उसका मैं कार्बन डाइऑक्साइड अगर वर्ड में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, कार्बन डाई ऑक्साइड। दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड में एक सी है, मतलब कि मैंने कार्बन का सिंबल लिखा है। दूसरा ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले जब हमने किसी का भी केमिकल फॉर्मूला लिखना है, हम क्या करेंगे, हम उसका सिंबल लिखेंगे। इस जो हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, इसे याद करने के लिए आपको पहले एलिमेंट के सिंबल आने चाहिए। ठीक है, कार्बन के लिए बहुत सिंपल सी है, एंड ऑक्सीजन के लिए हमारे पास ओ है। बोर मॉडल जो कि मैं अपने वीडियो लेक्चर में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बोर मॉडल कहता है कि जो एटम होता है ना, एटम के अंदर जो है वो फोर शेल्स होती है, दैट इज के एल एम और एन। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, देन 18 एंड 32। ये जो भी कोई एलिमेंट है, इन्हें या तो अपना डुप्लेट या तो उसके शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर उसके इलेक्ट्रो एल शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो मैंने लिखे हैं, इनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है, ये सभी क्या करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम और बेरिलियम को छोड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, मीन सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसे हम कहते हैं वैलेंसी। अगर मैं यहाँ पे कार्बन की बात करूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, के एल एम एन, कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए और किसी के पास कितने हैं। अब होने कितने चाहिए थे, पहले वाले में 2 होने चाहिए, तो 6 है तो 2 हो सकते हैं, आउट ऑफ 6 मैंने 2 लिख दिया, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 4। ठीक है,
8 बनाने के लिए और कितने चाहिए, 4, तो जिसे जितने चाहिए होते हैं उतने हम यहाँ लिख लेते हैं। तो दूसरे, पहले हम सिंपल लिखेंगे, दूसरी जगह पे हम क्या लिखते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी मतलब उसे अपना, अगर किसी के पास 2 नहीं है तो 2 बनाने के लिए, मींस डुप्लीकेट बनाने के लिए कितने चाहिए, और अगर 8 नहीं है तो 8 बनाने के लिए कितने चाहिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पहले वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 में से 2 मैंने लिख लिए, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट, 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 और चाहिए, 8 बनाने के लिए इसे सिर्फ 2 चाहिए, हमने 2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन के साथ 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ 4 आ जाएगा, ये दोनों ही 2 के टेबल में आते हैं, और हम इस तरह क्या लिख लेंगे, CO2। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले मुझे सिंपल आना चाहिए, सिंपल क्या है, फिर उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर उसके पास 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन है कितने और चाहिए वो लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल के साथ, एंड अगर वो किसी एक ही टेबल में आते कट कर देंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट क्लियर? आप अपने जो डाउट हैं वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को आपने शेयर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम वाटर का फॉर्मूला, वाटर आप किसी छोटे बच्चे को पूछोगे ना, वो भी आपको बताएगा कि मैंने क्या पीना है, पानी बोलेगा या वाटर बोलेगा। बट एज वी ग्रोइंग, आई थिंक 6th क्लास, जितने बच्चे होते हैं दे कम टू नो दैट कि जो वाटर है उसे कैसे लिखा जाता है, H2O, ऐसे लिखा जाता है, लिखा क्यों जाता है। ऑक्सीजन का तो मैं ऑलरेडी बोर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर चुकी हूँ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1, तो हम इसमें यहाँ 1 है तो 1 ही आएगा, इसको अपना 2 बनाने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक वाटर में एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन को 2 बनाने के लिए 1 और चाहिए, ऑक्सीजन को 8 बनाने के लिए 2 और चाहिए। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H2 and O1, विच इम्प्लाइज H2O। तो पानी का जो है केमिकल फॉर्मूला जो वो इस तरह से लिखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू टॉपिक। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।